तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इसका लेवल वन मैंने आपको पहले ही करा दिया था, उसके बाद मैंने दो पार्ट और बनाए हैं जिसमें मैंने आपको रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो जो रूट वाले क्वेश्चन आएंगे उसको हम उन्हीं तरह से करेंगे, लेकिन अगर कोई बिना रूट का क्वेश्चन आता है उसको आपको इजी मेथड से ही करना है, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होंगे। सो टेक्निक बिल्कुल वही रहेगी जो हमने पहले के पार्ट्स में किया है, कुछ नया नहीं है। आपको एक वैल्यू दी होगी और बाकी वैल्यूज निकालनी होंगी। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल जिसका एंगल सी पर है, ठीक है। If tan A is equal to 1, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A की वैल्यू 1 है। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं जल्दी से पहले। तो ट्राइंगल मैंने इस तरह का बनाया और ये हो गया C, क्योंकि राइट एंगल C बना रखा है, और tan A मतलब A के हिसाब से देखना है तो B हो गया ऊपर और A हो गया नीचे। आपको tan A की वैल्यू दी हुई है, tan A की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, इसका मतलब मैं नीचे 1 अपने आप ही लगा सकता हूं, ये आपको पता ही है। और tan अगर देखें तो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो कि पंडित बद्री प्रसाद वाला था, जो कि हर हर बोलते थे, याद करो, और सोना चांदी तोलते थे, ठीक है। तो अगर मैं tan की बात करूं तो आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, P by B, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ है। मैं वैल्यूज लिख देता हूं, बेस की वैल्यू भी 1 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिएगा, ठीक है, वो तो आपको आता ही है, लेकिन मैं इसमें सीधा लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका आंसर आएगा ना अंडर रूट 2 आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है, अंडर रूट 2 आएगा, क्योंकि 2 बाहर नहीं निकल सकता, इस वजह से ये अंडर रूट में ही रहेगा। चलिए तो मैंने तीनों चीजें निकाल दी, अब देखिए अब आपका फोकस कहां होना चाहिए, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको चल रहा है। अब सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं, वैल्यू कैसे पुट करूंगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, जब ये सारी चीजें साथ में लिखी है, ये तीनों चीजें साथ में लिखी है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में होंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां पे ए और ए ही लिखा है, इसका मतलब ट्राइंगल को मुझे पलट के नहीं देखना, सीधा जैसा बना हुआ वैसे ही देखना, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन मैंने पहले लिया है, तो साइन ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पी बाय एच, ठीक है, तो 1/√2 हो गई, देखो 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, कॉस ए की बी बाय एच होती है, तो बी अपॉन एच भी हो गया 1/√2 हो गया, सॉरी 1/√2, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही है, क्योंकि आपने पिछली दो वीडियोस देखी हैं, आप हो चुके हो एक्सपर्ट। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मुझे पता है 2 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, अगर मैं देखू √2 और √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, मेरा आंसर आ गया 1। ये लो बड़ी जल्दी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लग रहा था लेकिन आंसर जो है वो 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम राइट एंगल डेट सी है, लेकिन यहां पे टेन की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/√3 दी है इस बार, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ट्राइंगल मैं बना देता हूं यहां पे, जहां पे जो राइट एंगल है वो सी है और टेन ए के हिसाब से मुझे देखना है, ठीक है। टेन ए के हिसाब से क्या देखूंगा, पी बाय बी, इसका मतलब आपको ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये है पी और ये है बी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बी की जगह, मैं लिख देता हूं √3 और पी की जगह लिख देता हूं 1। निकालना क्या है, देखो साइन कॉस, मतलब साइन कॉस से रिलेटेड चीज है, ठीक है, तो मुझे एच तो निकालना पड़ेगा, तो एच क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, चलो वैसे ही देख के ही लगा दे पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर प्लस कर दो, तो इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर 3 हो गया, दोनों को प्लस करो 4 हो गया, और अंडर रूट करोगे तो 2 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सिंपल एच की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई, इतना क्लियर। अब मुझे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, यहां आप देख सकते हो साइन ए लिखा हुआ है और यहां आप देख सकते हो कॉस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जब आप ए वाला रेशो करोगे तो आपको ट्राइंगल को इसी तरह देखना है जैसे बना हुआ है, लेकिन जब आप बी वाला रेशो की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ट्राइंगल को पलट देना है, क्योंकि
जब हम बी देखेंगे तो बी को नीचे होना जरूरी है, तो नीचे लाने की जरूरत नहीं है आपको, दिमाग में ही ले आओ, ठीक है, इतना दिमाग तेज है आपका। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, जब कॉस की वैल्यू पुट करूंगा ना तो बी इसको मानूंगा और पी इसको मानूंगा, एच तो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। साइन ए, साइन ए क्या बोलता है, पी बाय एच, तो फिलहाल पी और एच क्या है, 1/2, ये लो लिख दिया 1/2, मल्टीप्लाई बाय कॉस बी की वैल्यू। कॉस बी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, बी बाय एच होती है, ठीक है। तो यहां पर बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी के हिसाब से देख रहा हूं मैं, कॉस बी के हिसाब से, तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बी बाय एच को क्या लिखूंगा, 1/2, ये लो 1/2 एक बार और लिख दिया, उसके बाद प्लस का निशान आ रहा है। कॉस ए, अब ए के हिसाब से देखना है मुझे, कॉस क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक है, तो बी बाय एच मतलब √3/2। अब उसके बाद मैं एक और मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और यहां आप देख सकते हो साइन बी लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे बी के हिसाब से देखना है, और बी के हिसाब से क्या होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। साइन का मतलब क्या है, पी बाय एच, तो पी तो ये हो गया ना, जब बी के हिसाब से देख रहा हूं मैं, है ना, बी के हिसाब से देख रहा हूं, तो परपेंडिकुलर क्या है, √3, तो मैंने दोबारा यहां पर √3 और एच क्या है, 2, ये लो, ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन बनी है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। एक चीज आपको और बता दूं, साइन और कॉस जो होता है उसको एक दूसरे का उल्टा भी माना जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है ये, ठीक है। चलो अभी फिलहाल जब हम आइडेंटिटीज करेंगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन आपको ये समझना है अभी इसको कैसे सॉल्व करें। तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि ये हो गया 1/4 प्लस, ये क्या हो गया, देखो मल्टीप्लाई करो इसको, तो ऊपर तो 3 आ गया और नीचे क्या आ गया, नीचे अगेन 4 आ गया, और मुझे पता है 1/4 और 3/4 को जब मैं ऐड करता हूं ना तो 1 होता है, ठीक है, तो पूरा पूरा 1 आंसर आ गया, इतना क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है, अच्छे से इसको देख लेना, एंगल ए के हिसाब से देखना है, बी के हिसाब से देखना है, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले दो क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ सेक ए इज इक्वल टू 5/4, तो सेक ए की वैल्यू आपको दी हुई है, देन फाइंड 1 - tan A, 1 + tan A। अब देखो स्टूडेंट्स आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कितना भी मुश्किल वो बना दें, अगर आपको वैल्यू पुट करना सही से आता है और मैथ्स आपकी अच्छी है तो कितना भी क्वेश्चन मुश्किल हो आप कर लोगे, सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, जो हम बॉर्ड मास वगैरह में सीखते थे, ठीक है। सो अभी मैंने एक और लेवल का क्वेश्चन लिया है, आगे और बड़े लेवल का क्वेश्चन भी लिया है मैंने, तो देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, तो मैं जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, और इसके नीचे भी मुझे वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। अब टेन के नीचे क्या आता है, कॉट आता है, कॉस के नीचे आता है सेक, और इसके नीचे साइन के नीचे आता है कॉसेक, ठीक है, क्योंकि इसमें सेक भी आ रहा है तो इसके हिसाब से हमको देखना होगा। इसके साथ साथ मैं एक ट्राइंगल भी बना देता हूँ, चलो यहाँ पे बना देता हूँ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाया तो मैंने ये देखा एंगल तो सी राइट एंगल है, और मुझे यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए बी यहाँ पे बना दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं बी रखूंगा। अब सेक की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, एच बाय बी होता है, मतलब ये हो गया एच, जो ऊपर दिया हुआ है आपको एच दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है बी, ठीक है, तो बी हो गया 4 और एच हो गया 5, ठीक है। अच्छा इसके हिसाब से मुझे याद आ रहा है कुछ, मुझे क्या याद आ रहा है, तीन भाइयों के बारे में जो कि मैंने आपको बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, ये 25 है ये 16 है, तो ये क्या हो गया, ये 3 होगा, ये 3 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से करके देख लेना चाहो तो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालना क्या है उस पर ध्यान देता हूं, मुझे निकालना है 1 - tan A और 1 + tan A, ठीक है, तो 1 - tan A, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन की वैल्यू होती है पी बाय बी, ठीक है, तो पी बाय बी इसका मतलब 1 - 3/4, और यहां पे आ जाएगा 1 + 3/4, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 यहां पे आ गया, 4 में से 3 गए तो 1/4 यहां पे बचा, और 4 यहां पे आ गया, 7 प्लस हुआ तो 7/4 यहां पे बचा, ठीक है। अब क्या होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो होता है ये मल्टीप्लाई का साइन लग के हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 4 से 4 गया, मेरा आंसर आ गया 1/7, ठीक है। तो एक बार वैल्यू पुट करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ टेन ए इज इक्वल टू
टू दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ बी हो गया, और टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये पी की दी हुई है, और वन जो नीचे दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, ठीक है। तो लगा देता हूँ, तो पी हो गया टू और बी हो गया वन। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, फोर हो गया ना, फोर, और इसका स्क्वायर क्या हो गया, वन। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया, फाइव। अब फाइव का अंडर रूट करो, बाहर तो निकलेगा नहीं, तो सीधा सीधा जो एच की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, अंडर रूट फाइव, ठीक है। इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही वैल्यू हम लेके चलेंगे आगे। अब वैल्यूज पुट करनी है मुझे। अच्छी बात यह है कि मुझे सेक ए के हिसाब से ही सब कुछ देखना है, तो इसमें ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होगी मुझे, ठीक है। तो सेक ए, सेक की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखो सेक की होती है एच बाय बी, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं एच बाय बी पुट करूंगा। एच हो गया रूट फाइव और बी हो गया वन, ये लो, वन को लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद साइन ए, साइन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, पी बाय एच, पी बाय एच है, तो इसका मतलब टू बाय रूट फाइव मैं पुट करूंगा, टू बाय रूट फाइव, प्लस का निशान लगा हुआ है। यहां पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर लगा होता है तो क्या करना होता है, वैल्यू आपको लिखनी है और उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है, होल स्क्वायर लगाना। टेन, टेन मतलब पी बाय बी। अच्छा, यहां पर टेन तो मुझे यहां पर भी दे ही रखा है, देखो ध्यान से, टेन दे रखा है ना मुझे यहां पे, तो ये वाली वैल्यू भी लगा सकता हूं मैं, टू। तो इसका मतलब टू का स्क्वायर यहां दिया हुआ है, माइनस कॉसेक ए। कॉसेक कहां है स्टूडेंट्स, कॉसेक ये रहा जिसका फॉर्मूला होता है एच बाय पी, तो एच को मैं ऊपर लिख देता हूं और पी को मैं नीचे लिख देता हूं, तो कुछ इस तरह का आपका, आपकी जो सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगी। अब देखिए यहां पर मैं इसको काट देता हूं, रूट फाइव से रूट फाइव, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो काट सकता हूं, यहां पे प्लस हो गया। उसके अलावा देखिए यहां पर फोर है और यहां पे रूट फाइव बाय टू है, इन दोनों को मत काट देना गलती से, क्यों, मैंने आपको बताया कि माइनस और प्लस का, माइनस प्लस का निशान होता है तो काटते नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सिक्स माइनस रूट फाइव अपॉन टू। एलसीएम लो, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें है ना पूरा का पूरा एलसीएम लेके आंसर निकाला हुआ है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 माइनस रूट फाइव। अब देखो ये है ना, किसी भी तरह से आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, करने की कोशिश करो। अगर इसमें से कॉमन निकालता हूं तो इसके पास टू जैसी कोई चीज नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको इतना ही रखेंगे, हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है, क्लियर। तो देखो यहां पर एक बार आपकी जब ये वैल्यूज पुट हो जाती है तो उसके बाद क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेके फिर एक दो और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ, अगली क्लास की तरफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगली क्लास की। बढ़ने नहीं दोगे हैं? तो अगली क्लास बोलने लग गया था ना, इसलिए हो गया। हम वहां से नहीं आए, यूपी बिहार से, हम यूपी से, मेन यूपी, ठीक है, बिहार वाली साइड से नहीं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, इफ ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21, फाइंड कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर, ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू निकाल के माइनस करना है इनको। तो उसके लिए मुझे एक ट्राइंगल बनाना होगा और देखना होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे गिवन है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ राइट एंगल एट सी दिया हुआ है, और यहाँ पे ए के हिसाब से देखना है तो मैं ए को यहाँ पे नीचे रखूंगा, ठीक है। इस बार ए यहाँ पर नहीं दिया हुआ, देखो इसमें इस बार साइड दी हुई है ना, तो कैसे भी दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी साइड देते हैं तो इसका मतलब वो पोजीशन फिक्स रहती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 29 ए बी लिखा है तो ए बी को 29 लिखना है, मतलब ये 29 सबसे लंबी वाली होगी एच, ठीक है। बी सी जब लिखा हुआ है 21 तो उसको बी सी मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हो गया वो 21 हो गया, बेस मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालते हैं अभी, क्योंकि ये तो बड़े नंबर है लेकिन ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही रिलेट रखते हैं, देखेंगे कैसे। कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है तो बाद में निकल पाएगा, पहले मैं ये निकालूंगा, ठीक है। तो एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, देखो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 841 होता है, जिसमें से मैं 21 का स्क्वायर जो कि होता है 440 माइनस कर दूंगा, क्या आ गया 400 आ गया,
और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो ये लो 20 आ गया, ठीक है, तो 20 आ गया, जो बेस है वो 20 हो गया। अब मुझे बड़े आसानी से कॉस की वैल्यू निकाल के, स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखना, स्क्वायर, तो स्क्वायर जहां लगा होता है तो इसका मतलब बी बाय एच में स्क्वायर लगेगा, तो बी बी और एच क्या हो गया 20 अपॉन 20 बी अपॉन एच, इसका स्क्वायर लगाना इस तरह से, और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन क्या होता है पी बाय एच, पी हो गया 21 और एच हो गया 29, ये लो 21 अपॉन 29, इन दोनों को माइनस करेंगे, सबके स्क्वायर हमको पता ही है पहले से, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, माइनस 21 का स्क्वायर हो गया 441 और ये हो गया 841, ठीक है। अब देखो यहां पर जो बड़ा वाला नंबर है वो पीछे आ रहा है, देख पा रहे हो आप, तो बड़ा वाला नंबर पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब जब एलसीएम लूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा 841 और यहां पर 400 माइनस 441, ठीक है, 400 माइनस 441, तो बेसिकली यहां पर जो आंसर आ रहा है मेरा क्या आ रहा है 41 अपॉन 841। तो स्टूडेंट्स जरा ऑप्शन में एक बार करेक्ट कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में माइनस वाला साइन नहीं दिया हुआ था, तो आप यहां पे माइनस लगा देना, ठीक है, तो 41 माइनस 41 अपॉन 841 जो होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप इसको काट के देखोगे तो आप चाहे तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के देख लो, इसमें किसी भी नंबर से कटते नहीं है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए होमवर्क मैंने लिखा है, इसको अच्छे से आप पढ़ें समझें और उसके बाद इसका जो भी आपका आंसर निकलता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ आपको कराई गई है वो अच्छे से क्लियर है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का आखिरी पार्ट था, क्योंकि इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ वो एक दूसरे तरह की रेशोज आएंगी, टाइप 2 की रेशो, जिसके लिए हम नए फॉर्मूले सीखेंगे और नई वैल्यूज पुट करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं खत्म होती है, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।